आज हम लोग गुरुदेव की अनुपम कृपा से सत्य मार्ग को सत्य मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, यानी उसपे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव की अनुपम कृपा जब होती है तभी ऐसा सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है। संसार में वो हर पल शरीर के विषय में ही सोचता रहता है, क्योंकि उसका सारा मन तन इंद्रियां शरीर के लिए ही सोचती हैं, शरीर के लिए ही करती हैं, शरीर के लिए ही विचारती है। इस जीव को पुरुष भी कहा गया। पुरुष का मतलब यह नहीं है कि स्त्री अलग है पुरुष अलग है, वो नहीं है। पुरुष का मतलब है, पुर का मतलब होता है गांव, और उस पुर में रहने वाला जो सत्य है उसको साधु में कहा गया, तो उसमें रमण कर रहा है। अगर जो गांव का मतलब बहुत सारे लोग, तो शरीर रूपी गांव में ये शरीर भी पुरुष गांव है, और इसमें बहुत सारे पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच प्राण, चार अंताकरण। डाउन करो तो डाउन करो। पांच तत्व जिससे शरीर निर्मित होता है, और इन सबको जो जानने वाला है, जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं वैसे ही हमारा मन क्या करता है उसको भी जानता है। परंतु क्या है, अनादि काल से इसमें वो विलीन हो गया। डाउन रख दो, तो चुका है। अब वो उस अपने वास्तविक रूप को भूल गया और शरीर को ही सब कुछ समझने लगा, शरीर के लिए ही करने लगा। आंख ने देखा तो कहता मैंने देखा, कान ने सुना तो कहता मैंने सुना, जिब्बा ने चखा कहता मैंने चखा, और इतना विलीन हो गया जैसे एक लोहे का टुकड़ा किसी को जलाता नहीं है, लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े को आग में रख दो तो लाल हो जाता है। जबकि लाल होना लोहे का धर्म नहीं है, न लाल होना और न जलाना, परंतु वो आगे का संग हो जाने के कारण वो लोहे का टुकड़ा जलाने भी लगता है और लाल भी हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो ये पुर है और इसमें जो जो भी चीजें हैं वो किसी को कुछ नहीं कर सकती, कि वो जड़ पदार्थ है। परंतु ईश्वर का या आत्मा का या उस चेतन परम सत्ता का सहयोग हो जाने के कारण ये सारा शरीर चलने लगा है, बोलने लगा है, सुनने लगा है, चखने लगा है, अनुभव करने लगा है। इसलिए अनेक प्रकार के गुण हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार के रूप हैं। रूपों के गुण धर्म सबके अलग अलग हैं, परंतु सब में चेतन सत्ता एक ही है। अब हम इसमें विलीन हो गए, इतने विलीन हो गए कि अपने आप को भूल गए, शरीर को ही सब कुछ मानने लगे। मैं शरीर हूँ तो ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो स्वार्थ भी आ गया, तो लोभ भी आ गया, तो ममता भी आ गया, तो क्रोध भी आ गया। इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो लोभ आ गया, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो ईर्ष्या भी होगी, तो घृणा भी होगी, तो नफरत भी होगी। तो हम परपंच में ऐसे फंस गए कि हम सत्य चीज से अलग हो गए। अब गुरु महाराज कृपा करके हमें जागृत करते हैं, इसीलिए सत्संग सत्य संग सत्य का संग। तो गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग जो है दो प्रकार का होता है, मूल मूल में जैसे दो प्रकार का, आदि और व्याधि।
आदि शरीर के रोगों को कहा गया है और व्याधि मन के रोगों को कहा गया है। ऐसे ही जो है सत्संग दो प्रकार का है, एक वाचिक और एक आंतरिक। वाचिक जो भजनों में हम आज कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको हमने अपने में धारण करा, समझा, जैसे जीवन दर्पण गुरु महाराज ने लिखा है, इसको समझो भाई, ये गाने का सुनाने का विषय नहीं है। अगर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, जीवन दर्पण, जीवन का दर्पण है, उसको हम अगर मनन करें, धारण करें, तो हम कभी गलती नहीं कर सकते। हम किसी को कहा, अभी भजन भाई ने भजन बोला, ये सब नासुर संसार है, अरे मन तू देख जरा नासुर ये, लेकिन हम नासुर कहाँ समझ रहे, हम तो उसको पकड़े हुए, हम तो इसको छोड़ने ही नहीं चाहते। तभी तो क्रोध बढ़ता, तभी तो लोभ आता, तभी तो ममता होती, तभी तो इच्छा होती। अब कोई चीज गुरु महाराज ने एक दिन जब ये संस्था का निर्माण हुआ था तो उन्होंने कहा था, ये जो है चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे कलम चलाने वाला हो, जो भी चाहे भजन करने वाला है, सब सेवा ही है, और सेवा के रूप में करोगे तो कभी तुमको कोई प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती। लेकिन क्या होता, सेवा करते करते हम इतने ऐसे लीन हो गए कि हम स्वयं स्वामी बनने लगे, कोई नहीं होगा। अगर हम ये सोचे कि मैं ही ये सब कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, अरे सृष्टि जो है ईश्वर की सत्ता से चल रही है, आगे भी पीछे भी तो चलती रहेगी। हमारे जैसे लाखों आए और चले जाएंगे, मानव तन है दुर्लभ भाई, कर ले कुछ तो नाम कमाई, दो दिन का ये जीवन प्यारे, क्यों नहीं छोड़े मान बढ़ाई, मेरा मेरा मत कर प्यारे, तेरा जग में कोई नहीं, काल बली का लगा बजारा, तुझे छोड़ा दे कोई नहीं, तेरे जैसे लाखों आए सभी यहाँ से चले गए, और धन मान रतन का सब कुछ यही तो रह गया ना। अगर हम सेवा समझते रहेंगे तो जीवन में कभी मनुष्य गलत नहीं कर सकता है। गलत तभी करता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने पकड़ लिया, मैं छोड़ते ही नहीं हूँ। एक छोटी सी बात और जो है, कहते हैं गुरु महाराज ने एक बार कहानी सुनाई थी, एक आदमी आया और कहने लगा, महाराज ये संसार ने मुझे पकड़ लिया। तो गुरु महाराज जो है कहा, ठीक है भाई, अब ध्यान नहीं दिया, टाल दी बात को। फिर एक दिन कहा, चलो भाई जंगल में चलते घूमने, और जंगल में घूमने गए तो उन्होंने एक पेड़ को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। अब कहने लगा, महाराज जी क्या हो गया आपको, आप पेड़ तो आपने पकड़ा, तुम क्यों बोल रही है ऐसा, उन्हें ऐसे ही तेने भी तो संसार पकड़ा हुआ, तो बोल रहा संसार ने मुझे पकड़ लिया। तो जिस चीज को हम पकड़ लेंगे, चाहे वो गृहस्थी हो, गृहस्थी में सोचेंगे कि मेरे बिना यह परिवार नहीं चल सकता, तो ये भी भूल हो जाएगी। तो चाहे कहीं पर भी हो, ये सारा संसार ईश्वर का ही है, ईश्वरमय है, और ईश्वर से ही प्रकट होता है, ईश्वर में विलीन होता है, और जो भी हमको मिला हुआ सबको सेवा मिली हुई है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे जन सेवा हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अध्यात्म हो, सब सेवा है। सेवा के रूप में करेंगे तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। एक छोटी सी बात कह के विराम और देता हूँ के एक सत्संग हो रहा था तो वहां पर जो काफी लोगों ने प्रवचन दिए अपने अपने हिसाब से, सभी ने दिए। फिर जाकर के गुरुजी ने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने कहे, भाई सुनाओ क्या क्या हुआ। अरे महाराज क्या है, मूर्ख लोग बैठे थे, जो सुनाया सुनाया, उनकी क्या समझ में तो कुछ आता नहीं। तो ऐसा ऐसा सबने अपने अपने गुरु के सामने व्याख्यान करा। फिर एक चुपचाप बैठा हुआ तो अलग, उसने भाई तुम भी कुछ बोला। उन्हें महाराज जी हमने क्या बोलना, आपने सिखाया है कि सर्वत्र जब गुरु है, तो मैं ही सुन रहा था और मैं ही सुना रहा था, मैं कैसे गलत बोलूं कैसे ही बोलूं। तो अगर हम ये सोचते कि मैं ही वहां पर हूँ और मैं ही यहाँ पर हूँ, तो किसके साथ धोखा करना और किसके साथ गद्दारी करना और किसके साथ क्या करना। अगर इस भाव से हम सत्संग करेंगे, जीवन क्रिया करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम जीवन में किसी के लिए भी न धोखा दे सकते हैं और न ही किसी का अन्याय कर सकते हैं। लेकिन कहना तो सरल है, मनुष्य में कूट कूट के स्वार्थ भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, विवेक की कमी है, सुनाता बहुत कुछ है और अपनी बारी आए तो भूल जाना है। इसीलिए हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त है
तो उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को देखते हुए संसार में अगर करें तो हमारा जीवन मंगलमय आनंदमय और कल्याणमय हो सकता है। तो प्रेम से बोलिए महाराज श्री नमो जी की जय। जगत जननी माँ मुक्तेश्वरी जी की जय। जगत जननी माँ श्री जी की जय।